देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली, स्वच्छता एवं जन आरोग्य के प्रति उनके द्वारा साकार हुए विभिन्न प्रकल्पों की वजह से विश्व के नक्शे में भारत का नाम गर्व से उभर आया है। हमारी कोई भी नदी या वाटर बॉडी बाहरी कारकों से प्रदूषित न हो, इसके लिए हमें हर राज्य में वेस्ट मैनेजमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट का नेटवर्क बनाना होगा। इसी संकल्प से प्रेरणा लेकर मुंबई में 7 जगहों पर माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा 17,182 करोड़ रुपए की लागत से 7 एसटीपी की महत्वाकांक्षी परियोजना साकार होने जा रही है, जो कई सालों से रुकी हुई थी। मुंबई शहर सिर्फ महाराष्ट्र की राजधानी ही नहीं बल्कि देश की भी आर्थिक राजधानी है। मुंबई की 1.5 करोड़ की वर्तमान जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मुंबई में प्रतिदिन लाखों लीटर सीवेज उत्पन्न होता है। वर्तमान में इस सीवेज को पुरानी प्रक्रिया के मुताबिक खाड़ी या समुद्र में छोड़ दिया जाता है। वर्तमान सीवेज यंत्रों को कार्यान्वित रखते हुए यहाँ पर अत्याधुनिक सीवेज प्लांट की स्थापना करना स्वयं एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। भावी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए आकार ले रही परियोजनाएं SBR, MBR और CSBR जैसी आधुनिक तकनीकों पर आधारित है, जो सारे प्रमाण पूरे करती है। मुंबई सीवेज परियोजना के तहत आकार ले रहे इन 7 प्लांट्स की कुल क्षमता प्रतिदिन 2,464 मिलियन लीटर है। इन प्लांट्स के द्वारा शहर के दूषित जल को 3 चरणों में शुद्ध किया जाएगा और 50% पानी को तीसरे चरण में प्रक्रिया कर उसे पीने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रक्रिया में उत्पादित बायोगैस से ऊर्जा उत्पन्न होगी। ये सभी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में और मुंबई के समुद्र तटों को साफ रखने में मदद करेगी। वैकल्पिक रूप से ये नागरिकों के जल जीवन और स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करेगा।